एवरीवन बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग देख रहे हैं रेसिंग ब्लॉग्स, ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। और आज है दशहरा, तो दशहरे के ऊपर मैं आपको जो दशहरे के जो कार्यक्रम होता है वो दिखाने वाला हूँ, और जो खंडेले के अंदर जो किस तरह से लंका में आग वाग लगती है बस वही दिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। तो हमारे जो खंडेला होता है खंडेले के अंदर, तो यहीं से लेकर जाता है जो रावण सीता माता को हरण करके, तो यही वो लोकेशन है, इसको बोलते हैं राव धर्मशाला। और ये जो बड़ा पाना है उसके सामने जस्ट सामने है, काफ़ी पुरानी, आप लोग देख सकते हो इसकी बनावट को, बनावट के मतलब के हिसाब से देख सकते हो काफ़ी पुरानी है ना। और अभी अंदर झांकी तैयार हो रही है, तो ये देखो अभी अंदर जो ये देखो अपनी बार में सही टाइम पर मैं आपको वो लोकेशन भी दिखा दूँ जहाँ सीता माता को लेकर गया है रावण, और वो लोकेशन भी दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि पहले वहीं जाके देख लेते सारा, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में काफ़ी भीड़ हो जाएगी इसलिए। तो वहाँ जो रावण है बना हुआ पुतला, तो वो भी देख लेते हैं, साथ में जो वो क्या बोलते हैं उसको सीता माता है ना, उसको भी देख लेते कि कौन सी लोकेशन पर लेकर गए हैं। तो बस ब्लॉग के एंड तक आप ऐसे बने रहे मिलने के लिए। पहले मैं तो मिलती हूँ, तो मैं खा लेता हूँ पहले पानी पूरी। ये देखो पानी पूरी वाली भैया अभी पानी पूरी बना रहे हैं, तो फिर उसके बाद में सीता से मिलते हैं। अभी मैंने तो खा ली पानी पूरी, और बस अभी मैं सीता माता से मिलाने चलता हूँ। कहाँ है सीता माता और जो रावण है कहाँ लेके गया था सीता माता को, तो बस इसको हमारे यहाँ फील्ड बोलते हैं। ये देख सकते हैं बड़ा मैदान है खेलने के लिए, तो इसी के अंदर ये देखो सामने, ये तो बाद में दिखाने वाला हूँ मैं आपको, पहले हमारी सीता माता को देख लेते हैं जहाँ रावण लेकर आया था उसी को देख लेते एक बार, कहाँ बैठी हमारी सीता माता। लंका है एक एक तरह से, मानो लंका है, ठीक है मानने में क्या जाता, लंका है ये, लंका में लेकर आ गए राम, वो रावण, सॉरी राम नहीं रावण। तो जहाँ रावण लेकर आया था सीता को, तो हमें मिल चुका है, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये रहा रावण और ये रही माता सीता। अभी हमारी सीता माता काफ़ी उदास है, विचलित है अपने राम से मिलने के लिए। तो अभी ये रावण है और ये रहा हमारा शख्स जो सुबह से इसको ढूंढ रहा था, ये वो ये रहा। ये रहा, तो ये देख सकते हो सामने रावण है। तो हम लोग रावण के पास भी जाने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में भीड़ होने वाली है यहाँ पे, तो इस वजह से कुछ नहीं दिखने वाला इसलिए। ये देख लो रावण मैं जा रहा हूँ राम जी की जो सेना होती है वो दिखाने के लिए मैं आपको, और बस। तो भाई आप लोग देख सकते हो डीजे की आवाज़ थी, तो मैंने इसको म्यूट कर दिया क्योंकि भाई कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, वैसे मेरे पास में काफ़ी सारे कॉपीराइट क्लेम भर चुके हैं इसलिए। और ये जो राम जी है अपनी सीता माता को लेने के लिए, देखो अभी जो वाहन इसके ऊपर बैठ चुके हैं, और अभी आप देखना काफ़ी अच्छी झांकी थी, और ये मार्केट से होती हुई अभी जो फील्ड है खंडेले के अंदर वहाँ तक जाएगी, जिसको हम लंका बोल सकते हैं। तो ये देखो भैया काफ़ी अच्छा रोल किया है, और ये देख सकते हो अभी जो सामने जो लोकेशन है पुलिस चौकी है खंडेले के अंदर, वहाँ का लोकेशन है सारा। और ये पीछे बैठे हैं सारे जो भी सेना थी राम जी के साथ में, वो सारी सेना। तो ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ का जो सीन है, और सबने काफ़ी अच्छे से रोल किया है, कुछ भी कमी नहीं थी मेरे हिसाब से।
और देखो जो भाई जितनी कमी ढूंढो ना उतनी कमी मिल जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं थी, है ना। और मेन बात तो ये थी कि देखो कुछ डेवलप हो रहा है तो अच्छी बात है। तो ये देख सकते काफ़ी अच्छा रोल किया सभी ने, मैं बड़ा खुश था इस चीज़ से। और बस म्यूट तो इसीलिए रखा है क्यों नहीं तो मैं भी चला सकता है, मेरा भी मन था कि हाँ डीजे की आवाज़ सुनाई दे, लेकिन क्या करूँ मैं, कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये आप देख सकते हो और मैं इतना खुश था ना, पता नहीं मुझे क्या मिल चुका है। और बस इतनी खुशी थी कि फीलिंग्स थी, पता नहीं अभी राम जी सीता माता को लेने के लिए जा रहे हैं, बस इसी चीज़ से मैं खुश था। तो भाई आप लोग भी इसी तरह से खुश रहा करो, और पता नहीं क्या ही मन में मतलब कि अलग ही फीलिंग जग रही थी। देखो मैंने आपको बोला था ना कि भीड़ हो जाएगी, अभी देखो कितनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। तभी तो मैं पहले आके शूट करके चला गया था, अभी ये रहा राउंड, अभी थोड़ी देर पहले कोई भी नहीं था यहाँ पे, अभी देखो भीड़ देखो, अभी थोड़ी देर बाद में और होने वाली है। और हमारी सीता माता पता नहीं किधर गई, पहले तो वहाँ बैठे थे, अभी नहीं है। तो लो भाई राम जी आ चुके हैं अपनी सेना को साथ में लेके, और जो हनुमान जी का किरदार अभी यानी काफ़ी अच्छे तरह से निभाया, और जो लक्ष्मण जी है राम जी उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल किया। और आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ हो चुकी है अभी, क्योंकि इसीलिए मैं पहले आके वीडियो बना लिया था। तो इसमें देख सकते हो भैया ने काफ़ी अच्छा रोल किया है इसमें हनुमान जी वाले में। तो ये देखो भीड़ देखो भाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो I'm gonna make you mine.
फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड ऑफ ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और मैं तो बाय बाय फ्रेंड्स।